आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों कि आप अमेज़न पे बैलेंस का पैसा अपने बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों किस तरीके से ट्रांसफ़र कर पाओगे। अब दोस्तों यहां पर पैसा निकालने के काफ़ी तरीके हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, लेकिन दोस्तों सारे तरीके जो हैं एक टाइम पर दोस्तों वर्क करता है और काफ़ी टाइम पर दोस्तों जो है वर्क करना बंद कर देती है। काफ़ी एप्लीकेशन के साथ मैं वीडियोस बनाया हुआ और दोस्तों काफ़ी एप्लीकेशन के बारे में मैं आप सभी को भी बताता रहता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कुछ टाइम तक दोस्तों पैसा जो है विड्रॉल होता है और दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ टाइम के बाद दोस्तों अमाउंट जो है विड्रॉल होना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें काफ़ी बुरा लगता है, जैसे कि हम पैसा निकालने के लिए दोस्तों जब हमारा टाइम रहता है उस टाइम दोस्तों पैसा नहीं निकलता है, और जब हमें दोस्तों ज़रूरत नहीं रहती उस टाइम ये काम करता रहता है। तो इस वीडियो में आज को आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें दोस्तों मैं खुद ही दोस्तों इसे यूज़ करता हूँ। एक्चुअली जो है मेरे को भी दोस्तों कुछ कुछ अमाउंट जो है वाउचर अमाउंट मेरे को कुछ मिलता है दोस्तों, तो उस अमाउंट को जो है मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए उसी एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और पैसा दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 100% तुरंत दोस्तों पैसा निकल जाएगा और वो पैसा दोस्तों सीधे आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों ट्रांसफ़र हो जाता है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के ही अंदर चला जाएगा। तो अगर आपका पैसा दोस्तों अगर आपका 200 हो, 400 हो, 500 हो, 1000 रुपये, जितना भी दोस्तों आपके पास अमाउंट होगा, या दोस्तों आपके पास पे लेटर का, यानी कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा बैलेंस जो है गिफ्ट कार्ड का बैलेंस है तो क्या हम उसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका गिफ्ट कार्ड का बैलेंस है, चाहे दोस्तों आपने अमाउंट ऐड किया था, चाहे दोस्तों किसी भी तरीके का आपके पास जो है आपके वॉलेट में यहाँ पर दोस्तों अमेज़न पे बैलेंस में आपका जो है यहाँ पर पैसा दिख रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर दोस्तों दिखना चाहिए आपका बैलेंस, वो पैसा दोस्तों आपके अपने बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों 100% निकाल पाओगे, और भी दोस्तों रियल और जेन्युइन चीज़ के साथ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार, आप लोग का एक लाइक में तो जानते हैं मुझे कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए आगे देखते हैं इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों हम सर्च करेंगे एप्लीकेशन का दोस्तों नाम है, यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ इजी माई डील। अब यहाँ पर दोस्तों हम सर्च करेंगे यहाँ पर फटाफट से दोस्तों एप्लीकेशन का दोस्तों नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी माई डील रिचार्ज एंड बिल पेमेंट। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में दोस्तों फिलहाल में ही आया है, लेकिन दोस्तों आने के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं 100K+ दोस्तों डाउनलोडिंग हो चुकी है, रेटिंग दोस्तों इसको एक शानदार रेटिंग भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पैसा जो है आपको 100% यहाँ पर जो है किसी प्रकार का दोस्तों पैसा पेंडिंग भी नहीं होगा। तो जस्ट दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और मोबाइल नंबर डाल करके दोस्तों लॉगिन कर लेना है। अब जैसे दोस्तों लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब ये दोस्तों एप्लीकेशन जो है वर्क आपको किस तरीके से करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है बिल पेमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो है आप किसी तरीके का दोस्तों रिचार्ज कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज, जैसे कि DTH रिचार्ज, यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज, फ्लाइट टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम इसे डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों सीधा पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है, और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, देख सकते हैं ऊपर में ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिचार्ज, यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे आप ट्रांसफर टू बैंक, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों ट्रांसफर टू बैंक में क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप अपने पैसे को किस तरीके से, यानी कि आप बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं या UPI ID में लेना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आप अमेज़न से निकालना चाहते हैं, उसके बाद दोस्तों प्रोसीड में क्लिक करेंगे फटाफट से। दोस्तों यहाँ पर जो है हम अपने UPI ID से दोस्तों पैसा लेना चाहते हैं, तो हम UPI ID को ऐड कर लेते हैं। UPI ID दोस्तों ऐड हो चुका है, और यहाँ पर दोस्तों आपको अमाउंट डाल देना है, कितना अमाउंट निकालना चाहते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों 110 रुपये डाल देते हैं, और डालने के बाद जी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट दोस्तों प्रोसीड में क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों प्रोसीड में क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस दोस्तों यहाँ पर जैसे हम अमाउंट डाल के प्रोसीड में क्लिक करते हैं, UPI ID और डाल के यहाँ पर जैसे प्रोसीड में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे नीचे हमें दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर हमें शो कर रहा है, समथिंग रॉन्ग यू प्लीज ट्राई अगेन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सही नहीं है। तो जबकि दोस्तों मैं अच्छे तरीके से डाल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पर फिलहाल जो जैसे यहाँ पर डायरेक्ट काम कर रही थी दोस्तों, ये अभी फिलहाल वर्क करना बंद कर दिया है। तो उसके बाद दोस्तों हम पैसा कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसका तरकीब बताता हूँ। तो आपको होम पेज पर फिर से आ जाना है। दोस्तों होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा फास्टैग, फास्टैग में दोस्तों आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों फास्टैग में क्लिक करना है, तो अब यहाँ पर जो है आपको अपना पैसा निकालने के लिए फास्टैग में रिचार्ज करना होगा। तो फास्टैग में दोस्तों रिचार्ज कैसे होगा, जबकि दोस्तों हमारे पास तो फास्टैग है नहीं, तो मैं आपको
बता दूं दोस्तों कि आपको एक वीडियो के यहाँ पर साइड में आपको एक नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे दोस्तों कॉल कर सकते हैं। आपको दोस्तों हमारी जो है कंपनी की तरफ से फास्टैग का दोस्तों नंबर आपको दिया जाएगा, उस नंबर पे दोस्तों आप रिचार्ज करके स्क्रीनशॉट भेज देना, उसके बाद दोस्तों आपका अमाउंट जो है आपको भेज दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है फास्टैग नंबर जो है एक डाल दिया है मैंने, और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अमाउंट यहाँ पर डाल देता हूँ, कितना डाल देता हूँ 110 रुपये। और यहाँ पर दोस्तों जस्ट हम पे में क्लिक करते हैं और फिर से दोस्तों पे नाउ में क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों पे में क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको ऊपर में ही ऑप्शन मिल जाएगा अमेजन पे, इस पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनल में दोस्तों देख सकते हैं 117 रुपये दोस्तों कट किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों पे नाउ में क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे पे नाउ में क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यहाँ से जो है आपको अपना जो है अमेजन का आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अमेजन का दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं, आपको भी लॉगिन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अमेजन का दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे एंड दोस्तों साइन इन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 117 रुपये दोस्तों कट किया जा रहा है हमारे वॉलेट से। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जस्ट पे नाउ में क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों पे नाउ में क्लिक करेंगे ये पैसा दोस्तों हमारे जो है डायरेक्ट दोस्तों फास्टैग के अंदर दोस्तों रिचार्ज कर दिया गया है, यानी कि पैसा भेज दिया गया है। अब दोस्तों हम फास्टैग से है डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से दोस्तों आप लोग पहले ट्राई करके देख लेना, अगर दोस्तों वहाँ से आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जाता है तब आप दोस्तों फास्टैग के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, उसके बाद दोस्तों वो अमाउंट जो है आपको यहाँ से दोस्तों कट जाएगा और वो पैसा दोस्तों यहाँ पर फास्टैग में आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों वो पैसा जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा कुछ कमीशन कट करके। तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पैसा दोस्तों फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं निकल चुका दोस्तों हमारे वॉलेट से।